ये निकल जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सही भाई को सलाम नमस्ते शस्त्र का। जैसे कि आज मैं एक ब्लड डोनेट करने के लिए आया था जरूरत की, तो आज भी मैं सफदरजंग एम्स हॉस्पिटल में हूँ। रात के बज रहे करीब 8:30 और आज हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी मैंने ब्लड दे के बाहर बैठा। ब्लड देने से पहले भाई कुछ खा पी लो और ब्लड देने के बाद भी कुछ खा पी लो, कि मैंने ऐसा ही करा तो मुझे अभी चक्कर वक्कर नहीं आया, क्योंकि 2-3 जने थे उनको चक्कर आ गई। अब जाता हॉस्पिटल के बाहर और हॉस्पिटल में दिखाता किस तरीके का, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, बहुत परेशानी है यहाँ, सारे मरीज लोग हैं यहाँ। मैं दिखाता हूँ वीडियो में, बने रहो। ये सफदरजंग हॉस्पिटल रात के समय इस तरीके का, और ये है ये नया बना इमरजेंसी वार्ड। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा इमरजेंसी वार्ड है, पूरा का पूरा इमरजेंसी वार्ड है, नया नया बनाया अभी, क्योंकि पहले दूसरी तरफ था, अब ये इस तरफ शिफ्ट हो गया इमरजेंसी वार्ड। और देख सकते हो ये कॉलेज भी है और सफदरजंग अस्पताल भी है, और पब्लिक किस तरीके से बैठी हुई है यहाँ, क्योंकि अंदर पेशेंट के साथ एक जने को रहने देते ना, इसलिए एक जना बाहर है और एक जना अंदर है। तो मैं अभी बाहर ही घूम रहा हूँ, क्योंकि अभी एक जना और मेरा दोस्त फ्रेंड था वो भी गया देने के लिए ब्लड, उसी का वेट कर रहा हूँ। रात के बज गए, टाइम हो गया 8:30 करीब हो रहे हैं, और फिर चलते हैं देखते हैं अभी आगे, और दिखाता मैं किस तरीके का यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि अब बन चुका है। मैं फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है ना, इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। दिखाता हूँ मैं, रूम वगैरह अभी तक लगे हुए ब्लड दे नहीं दे के आया हूँ, ब्लड दे के आया हूँ। आप बोला गया थोड़ी देर बाद हटा लेना, कम से कम 1 घंटे बाद हटा लेना, अभी तक तो लगा के रखे अभी 5-7 मिनट हुए लगा के रखा रखा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, देखते कैसे क्या है। क्योंकि मैं था अभी तो बाहर में ही वेट कर रहा हूँ, यहाँ पब्लिक काफ़ी सारी खड़ी हुई है, तो सारे लोगों को बाहर कर दे, बाहर कर दे सारे सारे हम बाहर ही है, क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि अंदर जाने दिया नहीं तो सबको बाहर बिठा रखा है, क्योंकि एक जना रहता है पेशेंट के साथ इसलिए बाहर बिठा रखा है। मैं अभी बाहर ही हूँ, कदम कदम अब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा हूँ, और निकलते समय देख रहा हूँ कई सारे पब्लिक जो कि रास्ते में खड़ी हुई है, जो किसी के साथ आते हैं पेशेंट के साथ, उन लोगों को बाहर में रोक दिया जाता है। ये सारे लोग हैं जो कि बाहर खड़े रहते हैं, और ये रास्ते भी देख सकते हो किस तरीके से, यहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं है रहने के, रुकने की ज़्यादा लोगों की यहाँ सुविधा नहीं है, इसलिए सभी लोग बाहर रोड पर जैसे तैसे रह रहे हैं अपना देख रेख में। और इसी तरीके का यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ही भीड़ रहती है, हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में इसी तरीके की भीड़ है, और इतनी पब्लिक रहती है। अगर 1-2 हॉस्पिटल और बन जाए तो अपना देश की जो जनता है थोड़ी कम परेशान होगी, ऐसे सफदरजंग एम्स की तरह 2-4 और बन जाए तो बहुत अच्छा होएगा। एमरजेंसी वार्ड के जस्ट सामने हूँ मैं, अभी रात का समय हो रहा है, थोड़ा कैमरा सही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। सफदरजंग एमरजेंसी वार्ड जो कि नया बना वो ये वाली बिल्डिंग है, नई वाली बिल्डिंग यही है, और ये एम्बुलेंस जा रही है सामने। काम निपट गया, घर जा रहा हूँ, घर पे जाऊँगा भैया, आप रेस्ट करो, रेस्ट करने के लिए बोला रेस्ट करो, घर पे आराम करो, खाओ पियो और सो जाओ। फिर भी जाता हूँ, धीरे धीरे जाके बताऊँगा मैं कैसे क्या हो रहा है। मेरे का सफदरजंग एमरजेंसी वो चलता रहे
अब मैं जस्ट आ गया हॉस्पिटल के बाहर। बाहर थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ खुला खुला इलाका है और हवा सही आ रही है यहाँ पे, इसलिए अच्छा लग रहा है। और ये मेरे सामने जस्ट एम्स सामने है, इस तरफ एम्स है और इस तरफ है मेरे सफदरगंज हॉस्पिटल। इस तरफ सफदरगंज हॉस्पिटल है और सामने एम्स है। मैं दिखाता हूँ दोनों चीज़, सफदरगंज हॉस्पिटल और एम्स कैसी है। यहाँ मेरे सामने जस्ट एम्स हॉस्पिटल देख सकते हो, एम्स की फुल फॉर्म। ये एम्स और जस्ट यहाँ से मेरे ये जस्ट सामने सफदरगंज हॉस्पिटल। ये सफदरगंज हॉस्पिटल और यहाँ पे लगे रेडी वगैरह जो कि खाने पीने के सामान मिलते हैं यहाँ। और यहाँ पे ये चीज़ है कि दवाई भी थोड़ी अच्छी और सस्ती मिलती है, दवाई थोड़ी सस्ती देते हैं यहाँ पे। और बाकी कहीं चल जाओगे दवाई महंगी देते हैं या इतने सस्ती देते हैं। अब मेरे को जाना है मेरे को घर छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन के पास। वहाँ से अभी मैं सोच रहा हूँ बस से जाऊँ या फिर मेट्रो से जाऊँ, या तो बस पकड़नी या फिर मेट्रो पकड़ के मैं घर जाऊँगा। अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ, रास्ते में बंद करो दिखाता हूँ। ये नहीं मेडिकल शॉप की सारी दुकान जो कि यहाँ पे सारा चेकअप वगैरह हो, अगर जो भी करवाना होता है यहाँ सस्ते में हो जाता है। ये है पूरा सा दर्जंग एम्स के बाहर का नज़ारा। रोशनी से दिख रहा नहीं है। चल जा मेट्रो में, मेट्रो पकड़नी है सीधा घर निकलूँगा। फिर मेट्रो स्टेशन मेट्रो पकड़ के मैंने जस्ट ले ली अभी मेट्रो के अंदर एंट्री लेके मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो और घर पे जाके देखता हूँ मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। से तो उतरा हूँ मैं लेकिन हाथों में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तक मैंने वो हटाई नहीं है टेप जो लगा रखी है, रूई लगा के टेप लगा रखी है बैंडेज की तरह, वो हटाई नहीं है। अभी हटाता हूँ देखता हूँ कैसे क्या होगा। ये रही हाथों में ये लगा रखी है, अभी हटाई नहीं है। सोच रहा हूँ अभी हटाऊँ या घर जाके हटाऊँ मम्मी के सामने। ये मम्मी बोल रही थी हटाइए मत, फिर जाता हूँ घर। वैसे तो मैं मेट्रो से उतर गया छतरपुर मेट्रो स्टेशन, ये रहा जस्ट सामने मेरे। मेट्रो से उतरने के बाद अब घर के जाऊंगा, घर पे जाके हटाता हूँ ये। रास्ते में कहीं फिर ब्लड वगैरह आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो घर जाता हूँ। मेरा मेन हाईवे रोड, मेट्रो से उतरते के साथ घर की तरफ जाने के लिए मेन हाईवे रोड या रोड पार करना पड़ता है देख दाख के। बिल्कुल जब गाड़ी ना हो तभी रोड पार करे कोई भी हो भाई। चल रहे बस चले जा रहे धीरे धीरे। आ गया मैं घर, अब ये पट्टी हटाऊ देखता हूँ कैसे क्या है। हटा ना, इसमें से खून निकलेगा। खून निकल जाएगा? अरे भाई खून निकल जाएगा मेरे को, तो तू निकाल देना। निकालूं? मैं खोल रहा हूँ पट्टी क्योंकि 2 घंटे हो गए करीब, ब्लड देखे आए 2 घंटे हो गए। अब मैं खोलता हूँ देखता हूँ, इससे ज्यादा दर्द तो बालों में हो रहा है। वो हल्का सा ब्लड लगा हुआ है, खून निकल तो नहीं रहा।
भी निकल जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। टेप से हटा दी मैंने। अब निकाल दी। बस ये हल्का सा निशान आया, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा निशान आया। और ये देख मेरा टेप, मैं देख के आ गया इस तरीके से। था मेरा सफर ब्लड देने का। मैं मिलता हूँ कल दूसरी वीडियो का। आज के लिए इतना ही बोलता हूँ।